please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मानसून की बारिश ने अब पूर्वी और उत्तर भारत में दस्तक दे दी है। असम से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं और सड़कों के साथ कई जगह मकानों और दूसरी इमारतों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अकेले यूपी में ही पिछले एक महीने में 154 लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे बारिश और जलभराव से लोग जूझ रहे हैं। असम के जोरहाट में भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे 37 पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसके बाद वहां से गुजर रही कई गाड़ियां खराब हो गई। असम में लगातार दो दिन से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात खराब हो गए हैं, जबकि कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। नेशनल हाईवे 37 पर भारी बारिश के बाद कई गाड़ियां पानी के बीच फंस गई हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। पूरे इलाके में पानी भरने से कई लोग वहां फंसे हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने पानी में उतरकर अपनी जान बचाई। इस दौरान कई गाड़ियां बारिश के पानी में डूबी दिखी। असम के दूसरे इलाकों में भी लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके बाद बचाव दल के लोगों ने प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की मदद की। लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के गाजीपुर में गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई गांवों में तेज काटन देखा जा रहा है। पिछले चार दिनों में काटन से इन गांवों की करीब 20 बीघा जमीन गंगा में समा चुकी है, जिसे देखते हुए गांव वालों में दहशत का माहौल है। लोगों को अपने घर और जमीन को लेकर चिंता सता रही है, जिसके चलते गांव वालों ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं जिला प्रशासन कटान को देखते हुए बचाव और राहत के लिए लगातार कार्रवाई का दावा कर रहा है। करंडा ब्लॉक के 3-4 गांवों में भयंकर कटान होती है। कटान की जद में केवल भूमि ही नहीं, लोगों का घर भी हो जाता है। और इस साल केवल एक दिन में 5 बीघा जमीन बढ़रिया की गंगा में समाहित हो गई। हम लोग प्रत्येक दिन जो गंगा में जलस्तर है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और हमारे पास ये आंकड़ा है कि मिनिमम फ्लड लेवल में कौन सा गाँव प्रभावित होगा, मीडियम लेवल पे कौन सा गांव प्रभावित होगा और उच्च स्तर पर कौन से गांव प्रभावित होगा, और आबादी को नदी की कटान से बिल्कुल कटने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की दारमा घाटी की ताज़ा तस्वीरें सामने आई है। वहां रास्ता बंद हो जाने की वजह से लोग जान हथेली पर लेकर सफर करने को मजबूर हैं। भारी बारिश की वजह से 2 महीने पहले जमींदोज हो चुकी सड़कों की भी हालत अब तक नहीं सुधरी है, जिससे 300 से ज्यादा परिवार फंस चुके हैं। इनका संपर्क बाकी दुनिया से कट चुका है। आलम यह है कि यहाँ लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। पहाड़ी रास्तों को पार करते वक्त हादसे की आशंका लगी रहती है। ये लोग एक दूसरे का सहारा बनकर खतरनाक रास्ते को पार करते हैं। और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग अपनी जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं। रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है, ये तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं। और किसी भी पल कोई भी घटना यहां पर हो सकती है, लेकिन जो जनता है वो परेशान है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जो आम नागरिक हैं वो बेबस हैं और अपनी जान जोखिम में लेकर वो रास्ता पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से एक दूसरे का सहारा बनकर पार किया जा रहा है रास्ता। तो वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में राम झूला घाट पर एक कांवर श्रद्धालु गंगा में नहाते वक्त अचानक
तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद घाट के आसपास हड़कंप मच गया। लेकिन घाट पर तैनात एसडीआरएफ की टीम के एक जवान ने गंगा में बहते श्रद्धालुओं को बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी, तभी एक दूसरा जवान भी उसे बचाने के लिए गंगा में कूद गया। काफी मशक्कत के बाद बचाव दल ने गंगा से डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकाल लिया। कृपया ध्यान रखना, कभी ज़्यादा बारिश होने की वजह से या बाढ़ वगैरह इस तरह का नदी में बढ़ने के समय अपना अपना निजी वो संपत्तियां हैं या अपने लाइफ है उसको थोड़ा ध्यान रखते हुए थोड़ा सेफ प्लेसेस में उनको जाना पड़ेगा। तो वहीं देहरादून में हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, तो कई इलाकों के घरों में बरसाती पानी घुस गया है, जिसकी वजह से वहां के लोग घरों में कैद हो गए हैं, मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पुलिस और आपदा प्रबंधन समेत एसडीआरएफ की टुकड़ियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश की वजह से शहर का बुरा हाल है। शहर की सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। लोग घुटने भर पानी से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मजबूर नजर आए। तो वहीं यूपी के आगरा में यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। नदी का पानी किनारों से बाहर आने लगा है। गोकुल बैराज से आगरा के लिए लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना खतरे के निशान से सिर्फ 1 फुट नीचे रह गई है। वहीं निचले इलाकों में रहने वाले लोग बेचैन हैं। इन इलाकों में प्रशासन के जरिए मुनादी कार्रवाई कराई जा रही है, ताकि समय रहते सभी लोग सुरक्षित जगहों पर पहुँचाए जा सके। इतना बढ़ चुका है और डर ऐसे के मतलब निचले इलाके हैं जो इससे ज़्यादा ना बढ़े। एक दो बारिश और होती है तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। खतरे का तो है ही, पेड़ वेड़ होते तो कम से कम कटाव नहीं होता इनका, डर लगा रहता है कि कोई नदी वदी कट ना जाए। आगरा शहर के जो निचले इलाके में उधर लोग दहशत में आ चुके हैं कि यमुना का जलस्तर जिस तरीके से काली अपने रूप में आती जा रही है, उस प्रकार लोगों की दहशत बढ़ती जा रही है। कानपुर के बिल्हौर में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने पहुंची पुलिस खुद फंसी मुसीबत में फंस गई। पानी में फंसी पुलिस की डायल 100 गाड़ी को घंटों मशक्कत के बाद भी नहीं निकाला जा सका, जिसके बाद गाड़ी को क्रेन मंगवाकर पानी से बाहर खिंचवाया गया। उनकी हिम्मत देखो, 4 से 4 नंबर गुजर गए। और ये तस्वीरें हम आपको यूपी के कानपुर की दिखा रहे हैं, जहां पुलिस राहत बचाव के लिए आई थी लेकिन खुद ही मुसीबत में फंस गई। और पुलिस की जो ये जीप है ये पानी में फंस गई, जिसके बाद क्रेन बुलाई गई और कड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें अपने आप में साफ दिखाती हैं कि प्रशासन की हालत इस वक्त क्या है, और प्रशासन खामोशी से सारी चीज़ें देख रहा है लेकिन जनता बेबस है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पुलिस जो बचाव के लिए गई थी वो उल्टा वहां पर फंस गई। गुजरात के बनासकांठा में कुछ लोग वहां खड़ी एक कार के अंदर बैठी महिला से छेड़छाड़ करने लगे। आरोप है कि महिला अपने एक साथी के साथ कार में बैठी थी, जिसकी जानकारी मिलते ही कुछ लड़के वहां पहुंचे और महिला के साथ छेड़खानी करने लगे। यही नहीं, एक लड़का अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगा, जबकि उसके साथी ने महिला का चेहरा रिकॉर्ड करने के लिए दुपट्टा खींच लिया। इस दौरान महिला अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश करती रही। ये सब चल ही रहा था कि एक लड़का गाड़ी के अंदर घुसकर महिला से सवाल पूछने लगा, जिसके बाद महिला उन लड़कों से हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाने लगी। आरोप है कि छेड़छाड़ के दौरान उनसे पैसे भी लूट लिए गए। उत्तर प्रदेश के SC/ST कमीशन ने साफ किया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में SC/ST रिजर्वेशन को लागू नहीं करता तो कमीशन यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आयोग के चेयरमैन ब्रिजलाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि
8 अगस्त को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जवाब देगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। हमें ऑब्जेक्शन ये है कि मैं अध्यक्ष होने के नाते जहां अनुसूचित जाति जनजाति के हितों का कुठाराघात होता है वहां हम एक्शन में आते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब से बनी है 1920 से, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान में प्रोवाइडेड है कि 15% अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति, इनको रिजर्वेशन है और डिफरेंट जजमेंट हमारे विद्वानों का मत पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट डिबेट में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हुए हैं उन सब में तब से लेकर और आज तक 1967 में अजीज भाषा जजमेंट, 2005-2006 इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट, उसके अनुसार ही अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है। और अगर आप ये मानते हैं अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मत रहा है, पिछली सरकार का भी एक मत था, इसके लिए एक एक्ट भी लाया गया, संशोधन किया गया एक्ट में और कहा गया कि एस्टैब्लिश बाय इंडियन मुस्लिम्स, ऐसा था। मैंने कहा इसको ना कभी अकेले मुस्लिम ने बनाया, उसमें बनाने में तमाम हिंदू राजाओं ने, राजा दरभंगा, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह की जमीन है, महाराजा विजयनगरम, इन तमाम लोगों ने, हिंदू मुस्लिम दोनों रईसों ने उसको मिल करके बनाया और ये विवाद कभी उठा नहीं। 1981 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो वोट की राजनीति के साथ उन्होंने वादा किया था उसमें उन्होंने एक सेक्शन 52C जोड़ा, उसको इसको प्रयास किया कि अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए और उसी के तहत 1989 में 50% मुस्लिम के रिजर्वेशन की बात उन्होंने राष्ट्रपति को भेजा जो उन्होंने खारिज कर दिया।